अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में। अंबरपेट पुलिस हुदूद में एक वाकया पेश आया, जहां एक लड़की ने अपने माँ बाप के खिलाफ, तफसीलात के मुताबिक हाजरा नामी लड़की, जो अपने वालदेन के बगैर मर्जी से मोहम्मद इमरान नामी लड़के से शादी कर चुकी है। लड़की के वालदेन को ये शादी गवारा ना थी। उन्होंने लड़के के घर वालों और लड़के पर हमला किया, जिसके सबब इस लड़की ने अपने ही माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दायर किया। नाज़रीन, हम आपको कुछ हकीकत से वाकिफ करवाना चाहते हैं। हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? शर्म व हया का पर्दा ही खत्म हो चुका है। वालदेन यानी अल्लाह के बाद वालदेन का मर्तबा बहुत बुलंदबाग होता है। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आजकल की नाफरमान औलाद ये समझने तैयार नहीं है। इस लड़की को देखिए, मीडिया के सामने अपने ही वालदेन के खिलाफ जा रही है और उनकी इज्जत सरे आम उछाल रही है। वालदेन कभी अपनी औलाद का बुरा करते हैं ना सोचते हैं, इसमें वालदेन भी बराबर के शरीक है। अपनी औलादों को छूट ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, ये उसी का नतीजा है। स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करता है कि अपने वालदेन की इज्जत करें, ना कि उनको रुसवा। आइए सुनते हैं लड़की की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम हाजरा बेगम है, वकील का नाम मिर्ज़ा बेग, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद इमरान। हम लोग 1.5-2 साल से जानते हैं। हम लोग 1 तारीख के दिन शादी कर लिए। मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। और बहुत बार मेरे घर वालों को बहुत बार मनाने की कोशिश करी, पर वो लोग दूसरे घर में करते नहीं होना नहीं करते बोले, तो मैं उन लोग को घर पर बोल के इन्फॉर्म करके निकली मैं। हाँ, मेरे को यहाँ पर प्रोटेक्शन होना मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली वालों को। दो तीन दफ़ा घर पे आके अटैक भी करे वो लोग, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस को जाते जब रस्से में मारे भी मेरे भाई, 3-4 दफ़ा मार दिए अभी तक। मैं माँ बाप को केस बुक करना नहीं चाह रही। हाजरा बेगम 2 साल से बातचीत कर प्यार करते हैं। इनके घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश करे हम लोग, बावजूद भी लोग नहीं माने। इनके मम्मी, इनके वालिदैन को, इनके मम्मी को भी बोले थे हम लोग, कराते कराते बोल के नहीं करा रहे। और इनके भाई जहाँ दिखो वहाँ मारता हूँ बोल के 3 बार अटैक करे हमारे ऊपर। परसों भी 1 तारीख के दिन भी अटैक करे। इसके बाद में हम दोनों हमारी मर्जी से शादी कर ले के इन्फॉर्म करने के बाद मेरे घर पर 3 बार अटैक करे लोग, 3 तारीख 2 तारीख 5 तारीख को। और यह ह्यूमन राइट्स से भी हम लोग कंप्लेंट करा के हमारे प्रोटेक्शन के लिए बोले। बोलने के बाद पुलिस अंबरपेट PS में कंप्लेंट दिए, जान का धोखा है, प्रोटेक्शन चाहिए। अंबरपेट के रहने वाले। शादी कब हुई आपकी? 1 तारीख फरवरी 1, 2021। ह्यूमन राइट कमीशन से परमिशन लिए हम लोग, उनका मैडम का ऑर्डर भी हमारे पास, फिर भी हमारे को जान का धोखा है। इनके भाई लोग नहीं मान रहे। हमारे को सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे को कुछ भी नहीं। हम लोग खुश है, हमारी मर्ज़ी से हम लोग कर लिए। हम शहनाज है, शहनाज बेगम। बच्ची शादी राजी से करे, बातचीत करते थे, हमको मालूम था। हम पूछे जाके तो लगा इनकार कर दिए। और ये बच्ची मारे हमारे बच्चे को 1 तारीख को, जाके लगा शादी कर लिए। हमको नहीं मालूम, बाद में मालूम हुआ। तो हम अपना लिए, बच्ची अच्छी है, हमारे साथ अच्छा रह रही, हम खुश है। हम पूरे हमारा पूरा ससुराल हमारा भी पूरा खुश है। और इनके माँ बाप हमारे बच्चों को धोखा मारने का डर बिठा रहे, मारे हमारे बच्चे को। और घर पे आके सामान बाहर फेंक दिए, हमको मारते बोलते। हम चले गए 2 दिन के वास्ते, 2 तारीख 3 तारीख 5 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 3 तारीख 3 तारीख। 3-4 बार आए भाई घर पे, सामान भी उठा लेके चले गए हमारा। हमको मारते बोलते हम चले गए डर के। हम तो खुश है बच्ची के साथ, बच्ची हमारे साथ अच्छी है। अंबरपेट PS में आए आप पुलिस वाले, हमको अच्छा हिफाजत करना हमारे बच्चों को, जान का धोखा है। सर 8-10 वकील है, एडवोकेट मुस्तफ़ा, एडवोकेट सादिक, एडवोकेट जर्रार, एडवोकेट हबीब, बहुत से हमारे एडवोकेट्स हैं जो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं ख़ास तौर पे मुसलमान तबके में, तो बहुत जल्दी हम लोग आके उनको मदद करते हैं। और जो भी कानूनी मदद हमसे हो सका हम ज़रूर करते हैं, उनको उनका हक हमेशा दिलाते आए और आगे भी इंशाल्लाह दिलाते आएंगे। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।